हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, एमएस जनरल सर्जन, आपको अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेस्ट एक्सरे के बारे में। मैं आपको दिखाऊंगा एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे कैसा होता है और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि बीमारियों में चेस्ट एक्सरे कैसा हो जाता है, निमोनिया में, ट्यूबरक्लोसिस में, कोविड-19 में चेस्ट एक्सरे कैसा होता है, या फिर चेस्ट में अगर पानी भर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और उसका क्या इलाज होता है, क्या कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि और भी हेल्थ इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये है नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। दोनों तरफ के लंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, और उनके बीच में जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है वो हार्ट है। बिल्कुल बीचों बीच अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको रीढ़ की हड्डी दिखेगी और उसमें से निकलते हुए रिब्स दिखेंगे। जो हमारे रिब्स होते हैं वो लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे चेस्ट एक्सरे दिखाऊंगा जो नॉर्मल नहीं होते हैं। तो दूसरा एक्सरे हमारे पास है प्लूरल एफ्यूजन का। प्लूरल एफ्यूजन का मतलब होता है लंग्स में या फेफड़े में पानी भर जाना। तो आप देख सकते हैं इसमें जो पेशेंट का जो राइट साइड है, जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, उसमें लंग्स में नीचे की तरफ व्हाइट कलर का बड़ा सा पोर्शन आ गया है। मतलब इसमें जब पानी भर जाता है तो ये एक्सरे में इस तरीके का दिखता है और वो लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, छोटा कर देता है, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर पानी बढ़ जाता है लंग्स के अंदर या फेफड़े में तो इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो लंग डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो हम निकालते कैसे हैं? निकालने का तरीका होता है प्लूरल टैपिंग, जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरीके से हम सुई से, इंजेक्शन से लंग्स के अंदर फेफड़े में प्लूरल कैविटी में डालकर पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो, या फिर अल्ट्रासाउंड से देखकर भी हम इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से इन बाबा को लेफ्ट साइड में प्लूरल एफ्यूजन था तो उनको प्लूरल टैपिंग किया गया। अब हम आते हैं तीसरे एक्सरे पे दोस्तों, जो है निमोनिया का। निमोनिया आप देख सकते हैं इसमें भी राइट साइड, यानी पेशेंट का जो राइट साइड है, जो आपको लेफ्ट साइड की तरफ दिख रहा है, उसमें एक व्हाइट कलर की ओपेसिटी है, व्हाइट कलर का पैच है ऊपर की तरफ। इस कंडीशन को हम कहते हैं लोबार निमोनिया। हमारे लंग्स में बहुत सारे लोब्स होते हैं, लोब्स इसमें एक लोब में निमोनिया हो गया, तो इसे कहते हैं हम लोबार निमोनिया, जो आजकल ज़्यादातर कोविड-19 कंडीशन में, कोविड-19 पेशेंट्स में लंग की प्रॉब्लम के साथ जो होते हैं पेशेंट्स, उनमें देखने को मिलता है। अब ये निमोनिया कहीं भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, तो मैं आपको अगले फोटो में दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो इमेज है, इसमें जो लंग्स है उसके नीचे एक वाइट कलर की ओपेसिटी है, और जो राइट साइड वाला इमेज है उसमें दोनों तरफ के लंग्स नॉर्मल हैं। मतलब राइट वाला इमेज बिल्कुल नॉर्मल है और लेफ्ट वाले इमेज में जो राइट लंग है, जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है, उसमें नीचे वाले हिस्से में निमोनिया बन रहा है, जो वाइट कलर की ओपेसिटी है। तो ये कोविड-19 पेशेंट्स में देखने को मिलता है अगर पेशेंट सीरियस हो जाते हैं तो। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ट्यूबरक्लोसिस पे। जब फेफड़े की टीबी हो जाती है तो वो पूरे फेफड़े में दोनों तरफ होती है और कुछ इस तरीके से दिखती है। आप इससे पहले वाला इमेज से और इसे कंपेयर कर सकते हैं। पहले वाले में जो एक्सरे नॉर्मल था वो बिल्कुल दोनों तरफ ब्लैक शेडोज आपको दिखते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जब टीबी फैल जाती है, जिसे हम मिलियरी टीबी कहते हैं, उसमें वाइट 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 पूरे लंग्स में आपको दिखने लगता है। तो ये कुछ एक्सरेज थे दोस्तों, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को बीमारी कौन सी है। प्लूरल एफ्यूजन यानी लंग्स में पानी भर जाना, फेफड़े में पानी भर जाना बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है। निमोनिया में भी हो सकता है, टीबी में भी हो सकता है, या और भी बहुत सारे फेफड़े की कंडीशन होती है उसमें भी हो सकता है। तो हमें ये भी पता लगाना ज़रूरी होता है कि प्लूरल एफ्यूजन या फेफड़े में जो पानी भरा है वो किस वजह से भरा है। अगर वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भरा है तो वो भी हमें पता लगाना ज़रूरी होता है। जो हम इस तरीके से टैपिंग करते हैं, जो प्लूरल फ्लूइड फेफड़े से निकलता है, उसको हम जांच के लिए भेजते हैं, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि बीमारी कौन सी है और उसी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट अपना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और भी लोगों में शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले।
और मुझसे इसी तरह जुड़े रहें। अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारा वेबसाइट surgeryonline.in, वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।